नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में जितेंद्र पाटिल जी एडमिट हुए हैं। इनको 2016 में माउथ कैंसर हुआ था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इन्होंने सर्जरी कराई, है ना? उसके बाद सब कुछ ठीक रहा आपका, और फिर दोबारा से 2019 में इनको राइट साइड में रिकरेंस हुआ, है ना? रिकरेंस होने के बाद इनको बताया गया कि आपको फिर से सर्जरी करानी होगी, निकालना पड़ेगा, और कीमो रेडिएशन, फिर वही सब प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस से इनको इतनी तकलीफ हुई, तो इन्होंने वो कैंसिल करके हमारे देवी अहिल्या हॉस्पिटल का बारे में पता चला, तो ये यहाँ आए और इनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया, है ना? ट्रीटमेंट जब हमने शुरू किया, इनको सीवियर पेन था, रात में नींद नहीं आती थी दर्द की वजह से। फिर उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट से, इलेक्ट्रोमोपैथी ट्रीटमेंट से इनको कितना फायदा हुआ, ये खुद जितेंद्र पाटिल जी ने तो बताया ही है, इनके भाई स्वयं खुद बताएंगे। बताइए जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र पाटिल है जी। मेरे भाई को 2016 में लेफ्ट में हुआ था जी। तो लेफ्ट में जब हुआ था तो वो सर्जरी करके निकाल लिए थे जी। तो जब वो निकाले थे तब तो रेडिएशन, केमोथेरेपी सब किए थे जी। उसके बाद नॉर्मल जी रहा था जी। लेकिन 2019 में राइट में हुआ जी। तो वो इतना दर्द कर रहा था, तो हम फिर से टाटा हॉस्पिटल लेकर गए जी। टाटा हॉस्पिटल वाले ने बोले कि यहाँ से पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा जी। और एक सांस लेने के लिए एक नली रहेगी और एक खाना खाने के लिए नली रहेगी जी। तो ये सोच कर ही हमने ऑपरेशन करना नहीं बोल दिया है, ठीक है। फिर हमने मोबाइल में देखा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल इंदौर में है जी। जो हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं, उस वो सोचकर हम यहाँ पर आए जी। जो काट छीट नहीं करेंगे, कोई चीरा नहीं मारेंगे जी, बिल्कुल। ये देखकर हम यहाँ पर आए। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे जी, तो 2 घंटे बाद ही हमें ट्रीटमेंट शुरू हो गई जी। और 2 घंटे के बाद ही हमें रिलीफ महसूस होने लगा जी। जैसे ही मेरे भाई ने मुझे बताया कि मुझे दर्द कम होने लगा जी, तो हम कंटिन्यू करते रहे। आज 7वां दिन है जी। मेरे भाई को पूरी तरह से आराम है, रात में नींद आती है। रात में दर्द की वजह से पहले नींद नहीं आती, हाथ पकड़ के सोता था, कभी भी उठ जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरी तरह से ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ देवी अहिल्या हॉस्पिटल का कि मेरे भाई को आपने धन्यवाद धन्यवाद। बिना कीमो, बिना रेडिएशन के हमने ये हर्बल ट्रीटमेंट किया है इलेक्ट्रोमोपैथी से। आज हम आपको डिस्चार्ज करेंगे और 1 महीने की मेडिसिन देंगे। आप फॉलोअप में बने रहें। धन्यवाद धन्यवाद।